Alvi? हम यहाँ हैं बालवीर। इतनी जल्दी क्या है मैं? भयंकर परी, मेहर को कोई चोट मत पहुंचा ले। मेरा जादुई दंड कहाँ है बालवीर? वो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ भयंकर परी। वो कौन सी युक्ति है बालवीर? तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं रानी परी, हम भयंकर परी को कैद करेंगे। मैं भयंकर परी के पास उसका दंड लेकर जाऊंगा और वो अपना जादुई दंड देखकर खुश होकर मुझसे अपना जादुई दंड मांगेगी। तुम्हारे हाथ में मेरा जादुई दंड नहीं, बल्कि तुम्हारी हार और मेरी जीत है बालवीर। नहीं बालवीर, इसे हमारे लिए जादुई दंड कभी मत देना, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, मैं खतरनाक हूँ और ये बात बालवीर बहुत अच्छी तरह से जानता है। मगर शायद तुम नहीं जानती, तुम जैसे नादान बच्चों को समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है। रुको भयंकर परी, तुम्हें तुम्हारा दंड चाहिए ना, वो मैं दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेहर और भारती मासी को मेरी तरफ भेजना होगा। मेरे दंड के बिना मेरी शक्तियां जरूर कमजोर पड़ी हैं बालवीर, मगर मेरी अकल नहीं। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। एक तरफ से तुम मेरा दंड यहां भेजोगे और दूसरी तरफ से इन दोनों को मैं यहां से भेजूंगी। ठीक है भयंकर परी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम उन दोनों को उधर से भेजना और मैं तुम्हारे जादुई दंड को तुम्हारी तरफ भेजूंगा। मैं उसकी शर्त मान जाऊंगा। भयंकर परी हमारी बातों में आसानी से फंसने वाली नहीं है, क्योंकि हम उससे पहले भी नकली परी तारा से झांसा दे चुके हैं। रुक जाओ बालवीर, इतनी आसानी से मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। इन्हें छोड़ने से पहले मैं अपना दंड परखना चाहती हूं कि वो असली है या नकली। ठीक है, जैसे ही भयंकर परी को विश्वास हो जाएगा कि मेरा लाया हुआ दंड असली है, तो वो मेहर और भारती मासी को मेरी तरफ भेजेगी और मैं उसका दंड हवा में उसकी तरफ भेजूंगा। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना भयंकर परी? हाँ, ये जादुई दंड मेरा ही है, अब इसे मेरी तरफ छोड़ दो। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा खेल रानी परी। जैसे ही जादुई दंड और मैं और भारती मासी आमने सामने होंगे, वैसे ही विजदार परी, बाल परी, अटकाती परी, भटकाती परी और आप, हम सब मिलकर भयंकर परी के ऊपर जाल डालेंगे। भयंकर परी को आभास भी नहीं होगा
कि उसके साथ क्या होने वाला है। और कुछ ही पलों में वो जाल में कैद होकर रह जाएगी। जाओ। परियों, जैसे भारती मासी महर और जादुई डंड बिल्कुल आमने सामने होंगे, वैसे आप सब ये जाल भयंकर परी के ऊपर डाल देना और फिर भयंकर परी कैद हो जाएगी। फिर मैं भारती मासी और मेहर को अपने पास सुरक्षित कर लूंगा और हाँ, जादुई दंड को भी। मालवी, आपकी ये युक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन भयंकर चालाकी का दूसरा नाम है। पता नहीं आपकी ये युक्ति उस पर सफल होगी या नहीं। तुमने भयंकर परी, तुम्हारी अकल कम नहीं हुई, क्योंकि जो खत्म हो गया हो वो कम कैसे हो सकता है। इसलिए देखो तुम कितनी आसानी से हमारी चाल में फंस गई। आई क्यों यहाँ बल्लू बनके? डुबा डुबा एक मानो महर के माता पिता बात कर रहे थे कि वो दोनों बल्लू को ढूंढने चाचा के घर जा रहे हैं, तो उन्हें रोकना जरूरी था और तुम बने हुए थे मैं, इसलिए मैं बल्लू बन गई और इसलिए मैं भी बना बल्लू। पर अब होगा क्या? रॉकी, तूने पक्का दो दो बल्लू देखे? हाँ माँ, बिल्कुल सेम टू सेम। अरे रॉकी भैया, यहाँ एक बल्लू नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि आपने दो दो बल्लू देखे। हाँ रॉकी, तूने ये कहा होता ना, तूने भारती को डबल देखा है तो मैं मान लेता। क्या कहा आपने? अरे जरा टाइम देखकर तो बोला कीजिए। रॉकी, तूने ये कहा होता ना, तूने भारती को डबल देखा है तो मैं मान लेता। महेश, आप तो भारती के पीछे ही पड़ गए। अरे उल्टा है, मैं नहीं पीछे देखा, ये मानो भी बोल रहा है। ओफा, मम्मी पापा, आप दोनों झगड़ा करना बंद करो और अंदर चलो। अरे हाँ, मैं वो मेरे पीछे वो पड़ी है, मैं थोड़ी। मेहर मेहर बेटा, देखो दो दो बल्लू, देखो दो दो बल्लू, दो दो बल्लू। यहाँ पर तो मेहरा और बल्लू है। नहीं, अभी मैंने यहाँ पे दो तो बल्लू देखे थे। अरे बल्लू बेटा, एक मिनट, एक मिनट। हमेशा तुम इसे प्रोटेक्ट करती हो ना, और ये हमेशा गायब हो जाता है। बल्लू बता कहाँ गया था, हम कितने परेशान हो गए थे यहाँ पे।
गया था मैं भारती मासी को ढूंढने। देखो अब इसकी बोली भी उल्टी हो गई। माँ मैंने अभी यहाँ पे दो दो बल्लू देखे थे, दूसरा बल्लू कहाँ गया? रॉकी चाचू हमें एक बल्लू लल्लू मिल गया, यही हमारे लिए काफी है ना? अब मेरा मतलब है कि क्या अभी रॉकी चाचू के मजाक को सच समझ रहे हैं? नहीं मैंने दो बल्लू देखे थे। रॉकी भैया आपने दूसरा बल्लू आईने में देखा होगा। हाँ एक मैं समझा, बल्लू आईने के सामने आ जाओ। बल्लू लल्लू तो आईने के सामने कैसे जा सकता है? चल के गया बच में, क्योंकि नहीं दिखता आईने में हमारा प्रतिबिंब, अभी खुल जाती हमारी पोल। तू बल्लू को क्यों रोक रही है? पापा को समझाने देना रॉकी चाचू को। चल आ जा बेटा। नहीं नहीं मैं उसे नहीं जाने दूंगी। तो तू आ जा। हाँ अब मेरा मतलब है कि मैं भी नहीं आऊंगी। ये लो ये दोनों तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आईने के सामने आने से ये लोग दिखने नहीं वाले हैं। हाँ क्या क्या, क्या? हाँ? मतलब चलो बच्चों बहुत हो गया बेटा, चलो आ जा, आओ चलो आओ आईने के सामने आओ, चलो याद आया। माँ जब भारती मासी ने हमें वो जादू सिखाया था ना, तो उस संदूक से एक आगे रास्ता है और एक पीछे भी रास्ता है, शायद उस पीछे वाले रास्ते में भारती मासी हो। चलो वहाँ तो हमने ढूंढा ही नहीं। मेहर बेटा अभी भारती मासी को भूल जा। मतलब पापा भारती मासी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ वो मेरी बहन है, हमारी मासी है और बहुत बड़ी जादूगर भी है, और मेरे लिए सरदर्द है। देखिए ना माँ है नहीं कोई चिंता पापा को भारती मासी की, है क्या जरूरी अभी तो प्रतिबिंब देखना या भारती मासी को ढूंढना? प्रतिबिंब दिखाना, भारती मासी को ढूंढना। भैया हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो भारती मासी को ढूंढते हैं। चलो चलिए। अकल पे तो तुम्हारे पत्थर पड़े हैं बालवीर, जो तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। अच्छी योजना थी रानी परे, मगर अफसोस मेरे शातिर दिमाग के आगे एक कदम पीछे निकली तुम। आज मैंने अपने रूप के साथ साथ इतिहास भी बदल दिया है रानी परे। आज पहली बार
पहली बार अच्छाई के सामने बुराई जीत गई। देखो तुम्हारी सच्चाई के होश कैसे उड़े हुए हैं और वो कैसे मेरे सामने सर झुकाकर खड़ी। कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। हमारे होते हुए तुम अपना ये दंड हासिल नहीं कर पाओगी भयंकर परी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? ये शून्य लोक है, यहां तुम्हारा कोई जादू मुझ पर नहीं चलेगा रानी परे। कुछ करो बालवीर, कुछ करो। नादान लड़की, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखती हूं रानी परी कि तुम्हारा ये बालवीर कैसे मेरा मुकाबला करता है। तुम ज्यादा समय तक अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाओगी भयंकर परी। अब तो जश्न ही जश्न होगा बालवीर, और तुम और ये बच्चे बहाएंगे आंसू। पृथ्वी लोक पर कहर बरसाऊंगे। बिल्कुल ऐसे ही रोएंगे ये बच्चे और उनके साथ तड़पोगे तुम। सावधान बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी आ रही है तुम्हारी नींदें उड़ाने।